आज सिविल लाइन पुलिस को कुआखेड़ी के नजदीक एक कार पिछले 2 दिन से लावारिस हालत में खड़े होने की सूचना मिल रही थी। कार से बदबू भी आ रही थी। मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना TI योगेंद्र सिंह और उनके साथियों को एक कार में एक लाश अधजली हालत में मिली। लाश कार की पिछली सीट पर थी, उसे जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं मृतक की शिनाख्त योगेश पिता शालिग्राम सोनी बजरंग चौराहा सिलवानी के रूप में की गई है। PM के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई है। TI ने बताया कि जिन हालातों में शव मिला है उससे यहां किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल मर्ग कायम कर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास ग्राम चौकीदार कुआखेड़ी ये नारायण अहिरवार, इनसे सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन पिछले 2 दिन से यहाँ सागर हाईवे पर खड़ा हुआ है कुआखेड़ी के पास। तो इस सूचना पे आगे जब वाहन की तस्दीक की और उसमें अंदर देखा तो पीछे की तरफ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर इस व्यक्ति की पहचान की तो इसकी पहचान योगेश पिता शालिग्राम सोनी, ये बजरंग चौराहा निवासी सिलवानी के रहने वाले हैं और इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया है। अंदर प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि आग से जलने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बॉडी को हमने PM के लिए भेज दिया है। मृत्यु के पीछे क्या कारण है इसके लिए अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और मर्ग कायम करके हमने जांच में ले लिया। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ी में केवल एक व्यक्ति था जो आग से जला? देखिए, अभी तो प्राइमा फेसी तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा ही लग रहा है कि गाड़ी में एक ही व्यक्ति था और अन्य कोई इसके पीछे कोई अन्य आपराधिक गतिविधि हुई होगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। क्या धारा, ऐसे में क्या धारा अभी तक? अभी मर्ग कायम किया है 174 जाप्ता फौजदारी, मर्ग कायम करके जांच में लेंगे।